एनएसयूआई ने अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राह पर चलते हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के स्थायी कैंपस को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी मुद्दे को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव और कांगड़ा प्रभारी टोनी सिंह की अगुवाई में धर्मशाला के कचहरी चौक पर प्रदेश सरकार का पुतला जलाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष पुनीत राणा ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मुद्दे को आपस की कला बना दिया है। इनकी ओर से सीयू को कांगड़ा में लड्डू की तरह बांटकर अब इस पर सियासत करनी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि एबीवीपी भी इस मुद्दे को लेकर झूठा श्रेय लेने का काम कर रही है, जबकि अभी कोई स्थायी हल नहीं हो पाया है। आज जिला एनएसयूआई के द्वारा और प्रदेश के जो हमारे गाइडलाइन थी उसके द्वारा आज केंद्रीय विश्वविद्यालय के उपलक्ष में उसको खोलने के उपलक्ष में आज एनएसयूआई ने धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया है, प्रदेश सरकार का पुतला जलाया है। ये इसलिए कि पिछले 11 साल से केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो मुद्दा है वो अड़ा हुआ है। इनकी आपसी रंजिशों की वजह से ये मुद्दे को बांट रहे हैं, कभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, कभी देहरा में, कभी कांगड़ा में, कभी शाहपुर में लड्डू की तरह इसका वितरण किया जा रहा है। तो आज एनएसयूआई इसी का विरोध करती है, क्योंकि हमारा जो कांगड़ा चंबे का जो छात्र हैं वो भी काफ़ी गरीब परिवार से संबद्ध रखते हैं, यहाँ से पढ़ने चंडीगढ़ दिल्ली तक जाते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब केंद्र सरकार ने स्पेशली कांगड़ा और धर्मशाला के लिए जो है चंबा के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पे खोलने का जो है अनुमति दी थी। तो अभी इनसी जगह सिलेक्ट होती नहीं है, जो सिलेक्ट हमारी सरकार ने की जगह सिलेक्ट की है वहाँ पर इनसे निर्माण होता नहीं है। तो इसलिए एनएसयूआई आज एकत्रित हुई है, इसका उनका पुतला, जो सरकार का पुतला जलाया है कि जल्द से जल्द जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो निर्माण है जो जल्द से जल्द शुरू हो पाए। वहीं एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव और कांगड़ा प्रभारी टोनी सिंह ने बताया कि अगर प्रदेश सरकार और केंद्रीय राज्य मंत्री इस मुद्दे पर सियासत नहीं छोड़ी तो एनएसयूआई इसे प्रदेश भर में भुनाएगी और आंदोलन किया जाएगा। हमारी यही मांग थी कि आज जो हमारा सांकेतिक यहाँ पर यह धरना था, ये आगामी जो तूफान जो हिमाचल प्रदेश के अंदर और विशेषकर मैं कांगड़ा जिले के जो हकों के लिए वर्तमान सरकार जो है वो यहाँ पर शोषण कर रही है कांगड़ा जिले का। देखिए, कांगड़ा जिले को बांट दिया है, चाहे यूनिवर्सिटी के नाम पे हो या किसी नाम पे हो, तीन तीन जगह पर इस तरह के कैंपस को अनुमति दी, लेकिन अभी तक जो है वो किसी तरह का इस काम को अमलीजामा नहीं पहनाया गया है और झूठा श्रेय लेने के लिए चाहे दूसरे संगठन हैं या कोई और है। तो हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को आम छात्रों के लिए खोला जाए, क्योंकि यहाँ से दूर दराज क्षेत्र के जो छात्र पढ़ते हैं उनको जो है वो किसी प्रकार की दुविधा का सामना ना करना पड़े।